हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। देखिए, ऑनलाइन सेलिंग में जो मेन रोल प्ले करती है बायर को आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने में, वो होती है आपके प्रोडक्ट की इमेज। जितनी अच्छी और प्रोफेशनल आपके प्रोडक्ट की इमेज होगी, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि बायर जो है आपकी कैटलॉग पर क्लिक करें और उसको एक्सप्लोर करें। मोस्टली सेलर के क्वेश्चन आते हैं कि एक अच्छी प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए, या फिर किस तरीके से वो अपनी जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं उनको और बेहतर बना सकते हैं और एक बायर को अच्छा प्रेजेंटेशन अपने प्रोडक्ट का दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे करनी है और किन किन चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी और किन किन बातों का आपको इसमें स्पेशली ध्यान रखना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए आज जो हम चीज़ यूज़ में लेने वाले हैं उसको लाइट टेंट या फिर लाइट बॉक्स बोलते हैं। मार्केट में आप जाके उसको परचेज़ कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको घर में भी तैयार कर सकते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब पे डू इट योर सेल्फ ट्यूटोरियल अवेलेबल है इसके, जिसमें आप इसको बना सकते हैं। और अगर आप कहोगे तो मैं खुद भी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बना के बता दूंगा कि आप लाइट टेंट कैसे अपने घर पर भी ईजिली बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं लाइट टेंट क्या होता है और कैसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर हमको इसे मदद मिलने वाली है। तो देखिए, ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए लाइट टेंट होता है जिसमें दो साइड में लाइट्स रहती है जो रिफ्लेक्ट होकर प्रोडक्ट के ऊपर गिरती है। क्योंकि देखिए, जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है और अपने डे लाइट में या फिर रूम में कहीं पे भी रख के इसकी फोटोग्राफी करते हैं, नीचे कोई भी वाइट पेपर लगा के, तो उसमें क्या होता है, जैसे अपने रूम में लाइट एक साइड में है तो जिस साइड से इसके ऊपर लाइट गिर रही है वो इसकी साइड ज़्यादा ब्राइट आएगी और दूसरी वाली साइड में शेडो आ जाएगी, जिससे प्रोडक्ट दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम ये जो लाइट टेंट है वो यूज़ में लेते हैं, जिसमें क्या है, प्रोडक्ट के ऊपर जो लाइटिंग है वो दोनों तरफ से एक जैसी रहती है और कहीं पे भी इसकी शेडोज़ वगैरह या फिर वो ज़्यादा नहीं दिखती है और जो पूरा प्रोडक्ट है वो ब्राइट दिखता है और प्रोडक्ट खिल जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें अपने फोटोग्राफी कैसे करते हैं। दोस्तों, ये देखा आपने कि अपने लाइट टेंट की मदद से कैसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम इसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी करेंगे तो इनका जो बैकग्राउंड होता है वो प्योर वाइट नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा ग्रे टाइप में रहता है, जिसे हमें पोस्ट प्रोसेसिंग करके
फोटोशॉप के थ्रू या फिर किसी दूसरे टूल के थ्रू कंप्लीट वाइट करना होता है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि फोटोशॉप में आप कैसे अपने जो प्रोडक्ट की इमेज है उनको पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कलर करेक्शन कैसे कर सकते हैं और इनका जो बैकग्राउंड है वो आप कैसे वाइट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप कमेंट्स के थ्रू जरूर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे आप सबके रिप्लाई देने के लिए। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।